या गाइस, वेलकम बैक टू माय और यूट्यूब चैनल आदिराजा पिजन फार्म। गाइस, अभी शाम का टाइम है और मैं वीडियो शूट जो है 6 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के वजह से लेट आया था। और अभी गाइस मैंने जो है ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट देने वाला हूँ हमारे लॉफ्ट की, तो वीडियो में बने रहना। अभी जो है 2 फेंटल हमारे बाहर जो है दाना चुक रहे हैं और काफ़ी सारे कबूतर हमारे अंदर हो गए। और इस पानी में मैंने ऐसा क्या मिला है जिसकी वजह से इसका कलर जो है पूरा येलो हो गया है, तो वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, ताकि हमारे लॉफ्ट में कितने अंडे बचे हुए हैं वो भी बताऊँगा, और इस पानी में ऐसा क्या मिला है जिसकी वजह से हमारे कबूतर जो है एकदम हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाय से टेबलेट है, आप लोग देख लो, न्यूरोबियन। काफ़ी सारे बारिश के मौसम में हमारे कबूतर को जो है लकवा हो जाता है, आँख की बीमारी हो जाता है, सूखे में चला जाता है। फिर बाद में ठंडी के मौसम में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग जो है इसको कैल्शियम के लिए ये देते हैं न्यूरोबियन। आप लोग अच्छे से देख लो, किसी भी मेडिकल स्टोर पर बता देना। इसकी एक गोली जो है आपको कबूतर जिसमें भी पानी पीता है उस वाले में ये एक डांड लेनी है, देख सकते हो बीच में जो है गोली है यहाँ पर। तो गोली जो है मैंने अच्छे से मिला दी इसमें, जिसकी वजह से इसका कलर जो है पूरा येलो हो गया है। और हमारे काफ़ी सारे कबूतरों को मैं यहाँ पर जो है मिट्टी भी डालता हूँ, आप लोग देख लो यहाँ पर मिट्टी भी है, जिस भी को मिट्टी खानी होगी वो मिट्टी भी खाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे काफ़ी सारे कबूतर अभी बाहर है, देख लो यहाँ पर मैंने दाना भी डाला हुआ था, आप लोग देख सकते हो। अभी जो है अंधेरा हो गया, इसकी वजह से क्लियरिटी थोड़ी बहुत कम आ रही है, पर आप लोग समझ लेना। यहाँ पर मैंने जो है दाने में क्या डालता हूँ, अभी जो है ठंडी का मौसम आ रहा है इसलिए मैं जो है गेहूँ और बाजरा और चना तीन चीज़ ही डालता हूँ, मिक्स फीड बिल्कुल नहीं डालता हूँ। मिक्स फीड भी डालने का भी तरीका होता है, वो भी आप लोग कॉमेंट करके बताओ तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उस साइड जो है लास्ट में जो है हमारा मेल है वो उस साइड रखता हूँ मैं, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत बीमारी है, लकवे में था, अभी तो बिल्कुल सही हो गया है लास्ट में, देख सकते हो अभी तो बिल्कुल सही हो गया है। पर फिर भी मैं उसको सभी कबूतरों से अलग रखता हूँ। यहाँ पर गेहूँ बाजरी और चना डाले थे, पर इन लोगों ने जो है सब कुछ खा लिया है और बाकी बचा है अभी जो है कुछ कुछ कबूतर खा रहे हैं, देख सकते हो इतने कबूतर यहाँ पर है हमारे, और हमारे काफ़ी सारे कबूतर यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, देख सकते हो। और अभी लॉफ्ट के अंदर भी मैंने जो है बालू रेत आती है वो नीचे पे डाल दी है, ताकि हमारे कबूतर जब भी बीट करेंगे तो उसके ऊपर बीट आएगी, ताकि बीट जो है सूखी सूखी रहे और बिल्कुल लॉफ्ट जो है सूखा रहे, बीट करे तो अभी गंदा ना हो लॉफ्ट। और इतने लॉफ्ट को कुछ इसी तरीके से मैंने जो है बनाया है, पेटी कुछ फ्रूट की डाली है लॉफ्ट के अंदर, आप लोग देख सकते हो नीचे से। और अंदर में भी पानी का कुंडा है, उसमें भी एक टेबलेट मिलाई थी, वो भी बीच में है, आप लोग देख सकते हो, कैल्शियम की टेबलेट है न्यूरोबियन। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के किसी भी मेडिकल स्टोर पर बता देना, वहाँ पर वो इजीली समझ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर अभी ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई और मैंने जो है लाइट भी लगाई है अपने लॉफ्ट के अंदर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छी अच्छी ब्लू कलर की दिख रही होगी और वहाँ पर भी है लाइट। तो वो लाइट जला के मैं बताऊंगा कि हमारे लॉफ्ट में ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी स्टार्ट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं लॉफ्ट के अपडेट भी देने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू रहना गाइस। अभी गाइस हमने जो है लॉफ्ट के अंदर लाइट चला दी है, देख सकते हो, और यहाँ बाहर भी जला दिए, और हमारा शिखरा कबूतर अभी बाहर बैठा हुआ है, देख सकते हो। अभी आप लोगों को साफ दिखाई दे रहे होंगे, मैंने जो है नीचे बालू रेत मिला दी है, ताकि कबूतर जब भी बीट करेगा तो बीट जो है गीली नहीं रही होगी, सूखी हो जाएगी, ताकि हमारे कबूतर जो है बीमारी में ना आए। गाइस यहाँ पर भी मैंने आगे बताया था, पानी में जो है मैंने एक न्यूरोबियन की गोली मिलाई, जिससे हमारे कबूतर को अभी ब्रीडिंग का सीजन आ रहा है, ताकि कोई भी जात की दिक्कत ना हो। और गाइस मैं काफ़ी सारी अपडेट्स भी देने वाला हूँ, हमारे लॉफ्ट कुछ अच्छी तरीके से है। और यहाँ पर हमने जो है केज भी रखा है, उसके अंदर मैं फेंटल रखता हूँ, आगे के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अभी जो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यह फीमेल जो है अंडा देने वाली है, घोंसला बना के बैठी हुई है, पर अभी अंडा दिया नहीं है, पिछली वीडियो में बताऊंगा अगर अंडा दे दे तो।
और हमारा बाजरा मेल है, उसके साथ मैंने जो है जीरिया फीमेल डाली है। उसके नीचे भी गाइस दो अंडे आ गए हैं, आप लोग देख लो, देख सकते हो। ये बाजरी फीमेल है और इसके साथ सॉरी बाजरा मेल है और इसके साथ जीरिया फीमेल है। फिर गाइस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे चीनी पलपल में फीमेल है पूरी, आप लोग देख लो, चीनी पलपल में फीमेल है। और उसके साथ मैंने किंग मेल डाला हुआ है, क्रॉस जोड़ा लगा है, उसके भी नीचे दो अंडे हैं। और गाइस यहाँ पर हमारे रामपुरी का एक बच्चा हुआ है, चीक भी हुआ है, आप लोग देख सकते हो, या कुछ इस तरीके से मस्ती मारते रहते हैं। यहाँ पर एक बच्चा हुआ है गाइस रामपुरी का, और यहाँ पर भी एक रामपुरी फीमेल ने जो है दो अंडे दे दिए है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी दो अंडे है, और गाइस यहाँ पर भी रामपुरी मेल है, और उसके साथ मैंने जो है बाजरी फीमेल डाली हुई थी काबरी में, उसने भी एक अंडा दे दिया है। अभी दूसरा अंडा नहीं दिया है, एक दे दिया है, आज की तारीख में दिया होगा, मुझे तो पता नहीं था, पर यह सरप्राइज हो गई है बहुत बड़ी। और गाइस यहाँ पर भी हम जो है हमारे फेंटेल यहाँ पर रहते हैं, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से गाइस यहाँ पर उसने घोंसला बनाया हुआ है, और हमारे फेंटेल फीमेल ने जो है यहाँ पर दो अंडे दिए है, देख सकते हो। तो दो अंडे फेंटेल के नीचे है, दो यहाँ रामपुरी के नीचे है, और एक चीक यहाँ पर भी है, चीक का भी शोक करा देता हूँ, ऐसा कुछ चीक है हमारे यहाँ, देख लो। ये कौन से कलर में आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ऐसा कुछ चीक निकला है रामपुरी का, फीमेल बहुत गुस्सा कर रही है, देख सकते हो। फिर गाइस यहाँ पर भी एक अंडा है पीछे में, और तीन जोड़े हो गए, और दो अंडे यहाँ पर है, मैंने आगे बताया आप लोगों को, और दो अंडे यहाँ पर है। तो अभी पांच जोड़ों के नीचे अंडे बचे हैं, बाद नहीं, अभी सभी कबूतर जो है ब्रीडिंग करने वाले है। लाइट मैंने जला दी है लॉफ्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे वस्तु चीज़ क्या है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे पास कबूतर कैसे है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना था कि एक जो है कैल्शियम की दवाई मिलाता हूँ, वो भी मैंने बता दिया, ताकि हमारा ब्रीडिंग प्रोग्रेस में कोई भी जात की दिक्कत ना हो। और इतनी हमारे लॉफ्ट में जो है अपडेट थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। और अभी काफ़ी सारे कबूतर हमारे बाहर है, देख लो, कुछ कुछ यहाँ बैठे हैं बांस के ऊपर, और अभी यहाँ पर भी है। तो इतना कुछ था गाइस बताने के लिए, जो कि मैंने बता दिया है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर कबूतर अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय।